रहकर जिनके मन में भाव ही नहीं जाता, वो पाप कर्म का उदय है। सब चीज़ें पास में हैं, फिर भी इंसान ग्रहण नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़ा अंतराय कर्म है, बहुत बड़े पाप का उदय है कि जो परमात्मा की वाणी का झरना बह रहा हो, फिर भी उसे पीने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए मन का भाव ना जगे, तो इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। तो आओ हम सब एकत्रित होकर के एक प्यारी सी भक्ति भाव यात्रा करें। भक्ति से भरी हुई भाव यात्रा, अपने भावों से तो हम परमात्मा के समोशरण में पहुंच सकते हैं। साक्षात हमने नहीं देखा, लेकिन आज अपने भावों के द्वारा हम परमात्मा के समोशरण में पहुंचेंगे। कोई भी सुखद आसन जिसमें आप आराम से बैठ सकें, ऐसे आसन में स्थित हो जाइए और महसूस कीजिए मन शांत, वचन शांत, काया शांत है। भक्ति यात्रा परमात्मा के समोशरण में पहुंचने की सबसे उत्कृष्ट, सबसे चरम और शिखर की हमारी ये यात्रा है। हम संसार में बहुत चले हैं, लेकिन हर एक कदम व्यर्थ, निष्फल, क्योंकि वो संसार के लिए चले हैं। आज भक्ति के साथ, आराधना के साथ, समर्पण के साथ चलेंगे परमात्मा के समोशरण में। इमेजिन करो, आपने पूरे परिवार को साथ में ले लिया, अपने सगे संबंधियों को, अपने आसपास रहने वाले सभी को साथ में लिया है। प्रबल भावना के साथ साथ में ले लो सभी को, अपने घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, सकल श्री संघ को, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाती है उन सब को अपने साथ लेकर इस यात्रा में सम्मिलित करके प्रभु के चरणों में चलेंगे। एक विशाल जनसमूह के साथ अंतर हृदय में उल्लास और उमंग भरते हुए कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ने लगे। अंतर हृदय में प्यास है, आंखों में प्रभु दर्शन की चाहत है। उस 12 परिषद के साथ साथ हम भी अपने जन्म जन्म के पापों का नाश करेंगे, प्रभु के समोशरण में जाके पावन और पवित्र हो जाएंगे। कदम से कदम मिलाकर हम चल रहे हैं। बड़ा मनोहारी, मन को लुभावने वाला प्यारा सा मार्ग है। आसपास में पेड़ पौधे लहला रहे हैं, चलते चलते हमारे कदम पावापुरी की पावन धरा पर पहुंच गए। इस चंदन माटी को नमन करो, यहाँ का कण कण पावन है। प्रभु के चरणों की रज से ये पवित्र हो गई है पावन धरा, ये भूमि, ये धरती। पावापुरी की पावन गलियों से गुजरते हुए हम हस्तिपाल राजा की उसी रज्जुक सभा में पहुंच गए, जहां प्रभु का अनुत्तर चरम समोशरण लगा हुआ है, जहां निरंतर 16 पहर तक परमात्मा की वाणी
झरझर करके बरस रही है। इस अवसर को तो पशु पक्षियों ने भी नहीं छोड़ा, हम तो मनुष्य हैं, हमारे भीतर में जागना चाहिए ये भाव। हस्तिपाल राजा की वो रज्जुक सभा दे दीप्यमान हो रही है, जहां सारा विश्व अंधकार की चादर ओढ़कर सोया है, वहां हस्तिपाल राजा की वो रज्जुक सभा देवताओं के आगमन से देदीप्यमान हो रही है। नो मल देश के राजा, नो लच देश के राजा, प्रभु वाणी की आराधना करने के लिए एकाग्र होकर बैठे हैं। धर्म क्षेत्र काल भाव की दूरियों को सब भूल चुके हैं, बस परमात्मा के साथ एकत्व भाव स्थापित किया हुआ है। समोशरण की शोभा को देखिए, पहला प्रकोठा चांदी से बना है, सोने के कंगूरों से सजा है। 1300 धनुष के अंतराल पर दूसरा प्रकोटा सोने से बना है, रत्नों के कंगूरों से सजा हुआ है। फिर 1300 धनुष के अंतराल पर तीसरा प्रकोटा रत्नों से निर्मित मणि रत्नों के कंगूरों से सजा है। समोशरण के बीचों बीच प्रभु स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है। अष्ट महाप्रत्याहार्य से मंडित प्रभु अशोक वृक्ष की छाया, दिव्य ध्वनि सहित आभा मंडल है। देव दुंदुभियां बज रही हैं, अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है, सुगंधित फूलों की बरसात। तीन छत्र से सुशोभित प्रभु देवी देवता छत्र चमर डुला रहे हैं। बारह प्रकार की परिषद इंद्र इंद्राणी देव देवियां, इंद्र भूति गौतम सहित समस्त मुनिवृंद, आर्य चंदन बाला के साथ समस्त साध्वी वृंद, श्रावक श्राविका, मनुष्य मनुष्यनी, पशु पंछी, त्रियंच त्रियंचनी, सभी आनंद विभोर हो रहे हैं। अपने जन्मों जन्मों के वैर को भुलाकर मिटाकर एक दूसरे के साथ प्यार से सौहार्द भाव से मैत्री भाव से प्रभु के अनमोल देशना को ग्रहण कर रहे हैं। जीवन का सारा अभिनय सारा अहंकार समाप्त हो गया है। समोशरण की 20,000 सीढ़ियां, स्फटिक रतन से बनी ये सीढ़ियां, जहां हर सीढ़ी पर सोने का कमल खिला है, प्रभु के चरण बने हुए हैं। ये वही पावन पंक्तियां हैं जहाँ से प्रभु समोशरण में विराजमान हुए हैं। पहली सीढ़ी पर नमन करो, माथा टिकाओ, बड़े भक्ति भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ, अहो भाव के साथ, पुण्यवाणी का योग बना है। आप ये यात्रा कर रहे हैं, अपने साथ जिन बच्चों को लेकर आए हो उनको भी देखो, वो भी माथा टिका रहे हैं।
आंखें उठाकर देखो, समोचरण के शिखा पर एक धर्म ध्वजा लहरा रही है जिस पर लिखा हुआ है नमो जिनानम जिये भयानम। नमो जिनानम जिये भयानम का गान करते हुए हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। नमो जिनानम जिये भयानम, हर एक सीढ़ी को नमन करते हुए हम परमात्मा के समक्ष पहुंच गए, प्रभु के सिंहासन के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। पद्मासन में प्रभु विराजमान हैं। प्रभु के चरण देखो, चरणों में पांव का अंगूठा देखो। तिकुतों के पाठ से वंदन करते हुए प्रभु के चरणों में अपना माथा टिका दो। जिनको जिनको साथ में लेकर आए हो उनको भी देखो, उन्होंने भी माथा टिकाया है। भावपूर्वक, विनयपूर्वक, समर्पण भावों के साथ सब वंदन कर रहे हैं। प्रभु के पांव के अंगूठे से निकलता ऊर्जा का स्रोत हमारे रोम रोम में पहुंच रहा है। आदि व्याधि, दुख, संकलेश, पापों का नाश हो रहा है। परमात्मा की अनंत पावरफुल ऊर्जा, शुक्ल ध्यान में शरीर से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा हमारे रोम रोम में पहुंच रही है। जहां पर आपके शरीर में पीड़ा है उस अंग को देखो, परमात्मा के पांव के अंगूठे से निकलती हुई ऊर्जा वहां एकत्रित हो गई है। जिन बुजुर्गों को साथ में लेकर आए हो उनके ऊपर भी प्रयोग करो। जिन बच्चों को साथ लेकर आए हो उन बच्चों के ऊपर भी प्रयोग करो। महसूस करो गहराई से, एकाग्रता से देखोगे तो सब नजर आएगा। प्रभु के हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठे हैं। प्रभु के नेत्रों को देखो, ये कमल नयन, अर्ध खुले नयन, प्रभु के आंखों से ऊर्जा की दिव्य किरणें निकल रही हैं और वो हमारे पास पहुंच रही हैं। हम 12 परिषद के साथ समोशरण में बैठ गए। एकटक होकर एकाग्रता के साथ अपनी संपूर्ण चेतना को प्रभु के नेत्रों पर लेकर जाओ। अर्ध खुले नेत्र, उन नेत्रों से निकलती हुई ऊर्जा की तरंगे, अनंत वात्सल्य की किरणें, अनंत करुणा की किरणें, अनंत मैत्री की किरणें आपके भीतर में समाहित होती जा रही हैं।
परम सौभाग्य है हमारा। वाह, आज का दिन कितना पावन है। प्रभु के शुक्ल ध्यान में शरीर से निकलती शुभ तरंगे अनंत शुक्ल लेशा से मंडित तरंगे आपके जीवन में पहुंच रही हैं, आपके देह में पहुंच रही हैं, आपके शरीर में हर एक अंग अंग में रोम रोम में समाती चली जा रही। अंतर और बाहर का आमूल चूल परिवर्तन हो गया है, सारी अशुभ लेशाएं शुभ लेशा में बदल गई है। भीतर में अनंत करुणा का भाव, राग द्वेष की ग्रंथियां समाप्त हो गई है। जीवन का अभिनय जो जन्म जन्म से इस संसार में भटका रहा था, वो सारा विनय भावों में बदल चुका है। क्रोध क्षमा में प्रभु की अनंत कृपा हुई, अनंत कृपा हुई। आओ प्रभु के समोशरण में बैठकर प्रभु के दिव्य गुणों का गान करें। यही हमारी भक्ति है, ये आराधना है, ये प्रार्थना है। प्रभु मेरा आहोभाव आपको गुणों को गाने का मुझे अवसर मिला, मेरे जीवन में ये सौभाग्य प्रकट हुआ, अनंत अनंत कृपा है प्रभु। कृतज्ञ भावों से आओ प्रभु की शरण ग्रहण करते हुए प्रभु के दिव्य गुणों का गान करें। वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि, वद्मानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पूछी सुनम सामना महनाय आगारिनो ये परतीत आए से के नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जानासी नंग बिकुजा तहे नंग आहा सुयंग बुहि जाहन संतन खेय नये से कुसले महेशी अनंत नाणी I
दान
पूरी की उस अंतिम धर्म सभा में बैठकर आओ हम भी परमात्मा के दिव्य अक्षरों की आराधना करें श्रद्धा और भक्ति के साथ। नमो सूर्य देवाय, नमो सूर्य देवाय, नमो सूर्य देवाय। देव गुरु धर्म की आज्ञा से, श्रुत देव की आज्ञा से, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन। 18वां अध्ययन संजय के नाम से मूल गाथाओं की आराधना अपने पुण्य उदय समझकर बड़े ही भक्ति के साथ एक एक अक्षर आपके अनंत कर्मों की निर्जरा करने वाला है, अनंत पापों को मिटाने वाला है। बस भक्ति का स्रोत अंदर बहना चाहिए। कंपिले नयरे राया उदीण बलवाहणे नामाणे संजय नाम मिगवंगुवणी गए हयाणीय गयाणीय रहाणीय तहे विय पायताणीय महया सब परिवारिय मिय छुबिता हय गौ कंपिलो जाने केसरे बिय संत मिय तथा
बाहे ये रस मोचिए आह के सरमे उजाणे आण गारे तबोधणे सजाए जाने संजुते धम जाण जियाए आपो वण मावड़मे जाए जावे या सवे तस गए मिय पासंग वहे से नराही आहास गौराया खिप मागम सोतही हाय मिये उपासिता अन गारं तथ पासई आहराया तथ संबंतो अण गारो मणा हो मये उमंद पुण्यण रस गिदेण गंतुणा आसंग सजयताण अन गारस सोनिवो विनय न वंदय पाए भगवत मेघ में आह मान नंग सो भगवान अन गार जान में से राया नंग न पड़ी मनते तो राया भय दो संजवो आह समितो भगवान बाहराही में कुदते अन अणगारे डहे जनर कोडियो अभाओ पथि वातु भंग अभय दाय भवाही अणिच जीव लोग में के महिंसाए पससी जया सवंग परिचज गंत माव मससते अणिच जीव लोग में के मर जमी पसजसी जीवी अंचे वरु वंच बीजु संपाए चंचलं जथ तन मुझ सिराया ते चतंग नाव भूज से दाराणी ये सुयाचे व मिताय तव बंदवा जीवंत मानो जीवंती मायंग नानो वयंती निहरंती मायंग पुता पियरंग पर दुखिया पियरो वियाता पुते बंदुरायंग तवंचरे तावो तेण जिए दवे दार ये परिय किए किलंत ने नारायांगठ तुठ मलंग किया तेना विजय काय कम सुहंग बजय वादुहंग कमुना संजुतो गच ऊपर भवम साउण तस सोधमा अण गार से अंतिये माहेय संवेग निवेयं समवनो नराहिवो संजवो चाहु अंग्रजन निखंतो जीना सासने गर्द भाली से भगवो अण गार से अंतिये चिचार ठंग पवहिये खतिये परिभाषई जाहते दिसे रुवा पसनंते ताहा मनो किंग नामे किंग गोते कस ठाए व माहने कहां पड़िय रसी बुध कहां विणिये तिबुचसी संजवो नाम नामेण ताहा गोतेण गोयमो गद बाली मामायरिया विज चरण पारगा किरियंग किरियंग विनियंग अनानंग च महामुनि एहिं च उहे ठाणे हे मायने के म पबासई इयं पाऊ करे बुधे नाये परिने बुढ़े बीज चरण संपन्न सच सच पर कमे पढ़ंती नर गोरे जे नरा पावे कारिणो दिवं च गाई गच्छंती चरिता दम माया मुय मेवंतु मुस भाषा निरथिया संज मानो बियाह वसामी रामिय सवे तेविया मज मिछा दिठिया नारिया वज मानो पर लोए समंग जाना मिया पगंग आह मासी महापाणे जोई मंगवरी ससव में जासा पाली महापाली दीवा वसी से हो वमा से चुए बम्ब लोगाओ मानु संभव मा गए अपनो ये पर सिंचे आओ जाने जहाता
नानारोयंच छंदंच परिवेजस संजय अनठा जय सवथाई विजमाणु संचरे पड़िक मामी पासा नान परमंते ही वापुणो आहो उठिए अहो राया इह विजाता वंचरे जंच में पूछ सिकाले समंग सुदेण चेसा ताहिं पाऊ करे बुधे तंग नान जिन सासने किरियं चरोय धीरे अकिरियं परिवजय दिठिये दिठि संपन्ने दम चर सदुचरं ये पुन पयं सोचा अथ धमो वसोहियं भरहु विभारं बासं चेचा कामाई पवय सगरो विसागरं तं बरह वासं नराहियो ईशरियं केवलं घिचा दयाय परिनी बुडे चैता भारंग वासं चकवटी महिडियो पवज बंबू बगो मागवं नाम महाजसो सनं कुमारो मणु सिंधो चकवटी महिडियो पुतंग जेठवितान सोविराय तवं चरे चैता भारंभासं चकवटी महिडियो संति संति कर लोए पतो गई मणो तरंग इखा गराय भसबो कंथु नाम नराहियो दिखाए किति धीमन पतो गई मणो तरंग सागरं तं जहितान बरं नर वरी सरो अरो ये आरे अंग पतो पतो गई मणो तरंग चैता बारंग वासं चकवटी नराहियो चैता उतमे भोए महापहुवे तवं चरे ए गचतंग पासे हिता मणि मणा निसूरणो हरि सेनो मणु सिंधो पतो गई मणु तरंग अनियो राय सहसे पुपरि चा दमं चरे जय नामो जिन खयं पतो गई मणु दसन रजं मोहियं चैतान मुनि चरे दसन भदो निकंतो सकं सकेण चोयो नमी नमे अपान सकं सकेण चोयो चयुण गेहं वही देही समाणे पजुवटियो कर कंडु कलिंगे सु पांचाले सुये दुमो नमी राया भी देहे सु गंधारे सुये न गई ए नरिंद वसभा निखंता जिन सासने पुतेर जेठ वितान सामाने पजुवटिया सोवीर राय वसबोचे चार जंगमुणि चरे उदयनो पवैयो पतो गई मणो तरंग कहवे काशी राया से वो सच परक में काम भोगे परिचज पहने काम महावणंग तहे विज हो राया अनठा किति पवय रजंतु गुण समिधं पाया ही तु महाजसो तहे भुगं तवंकिचा अविखेतन चेसा महाबलो राय इसे अदाय कहं धीरो आहुए उमतो वामही चरे ए विषे समाधाय सुरा दड पर कमा अचंत नियाण कमा सचा में भासिया वै अंतरिन सुतरंते गे तहि संति अणा गया कहं धीरे अहु उहे अतानं परियास्वसे सब जंगनी निमके सै देहा वै निरिये तिबेमी 19वां अध्ययन मृगापुत्र के नाम से मियां पुत्री जंग आराधना करेंगे मूल अक्षरों की
सुगी विनय रे रमे काणा नो जाने सोहिए राया बल बदे ती मिया तस गमाहिसी ते सिंह पुते बलि सिरी मिया पुते तुवी सुए अमा पियोने दहिए जुवे राया जमी सरे नंदने सो पासाए काली वे सही देवे दो गुंद गोचे वे चंग मुइया मानसो मणि रयण कुटिम तले पासाए लोयण ठियो आलोइये नगर चकंती हो चचरे आह तथ आये छतंग पासाए सामण संजय तव नियम संजम धरा सिल डंगणु आगर तंग देह मिया पुते दिठ आणि मिसाऊ कहिं मन रि संगरुवान दिठ पुवंग मये साहु सदरी सने तस अज वसान मिसोवने मोहंग यस संतस जाई सण समो देव लोग चो संतो मानु संभव मागो सनी नाने संपुपने जाई सर पुराने जाई सरण समुपने मिया पुते महिलिए सरई पुराणी जाए सामान जे पुरा कय विषय ही आर जंतो रजंतो संजमिए अमा पियन गुवा गमाय मंगवयण सुयानी में पंच महावयानी नरये सुदुखं च तिरक जोनी सु निविण काम में महान वाओ अनु जाना पवि समियमो अमताए मये भोगा भूता भी सफलो वमा पछा कोडिये विवागा अनु बंध दुहावा निम शरीर गणि चंग सही असु संभव असा सयवस मीण दुख के सान बायण असा सही शरीर मीर मिनोवल बामा पछा पूरा बुचे यवे फेन बुभुए सन्निबे मानो सते आसर मी वाहिरो गाने आलये जरा मरंग थे मी गणम पिन रमा महंग जमंग दुखंग जरा दुखंग रोगाय मरणानिय अहो दुखो हो संसारो जत की संति जंतवो खेतंग वतुंग हिरण च पुतंदारं च बंदवा चैतान मी मंदेह गंत मवस समे जहा किम पाग फलान परिणामो न सुंदरो एवं भूतान भोगण परिणामो न सुंदरो अदान जो महतंतु अपहे वो पौजय गछन तो सो दुही होई छुहे तनाए पीडियो एवं धमंगहु कान अहो गचै परम भव गचन तो सो दुही होई विहिरो गेहि पीडियो अदान जो महतंतु सपाहे वो पौजय गचन तो सो सुही होई चूहा तन हावी वजियो एवं धमंग पिकाऊण जो गचै परं भवं गचन तो सो सुही होई आप कमे अवेयणे जहा गेह पलितमी तस गेह स जो पहु सारे भंडानी निनेई असारंग बहुजई एवं लोए पलितमी जराए मरणे ने अपान तारे सामी तुबे ही अनुमानियो तंग बीतम मा पियरो सामान पुत दुचर गुणान तु सहसाय दारे यवाई बिकणो समय सब भूये सु सतु मिते सुवा जगे पाणाई वाये वीरई जाव जीवाए दुकर निज काल आप मतना
मोसावाहे विभीषण भाषी अमंगी अंश ने जाओ तेन दुकर दंत सोह माई स आदत स विभजन आन बजे स निज स गेहना विदुकर बीरिया बम्ब चेर स काम बोगेर स नुणा उग महावयंग बम्बा धारे यंश दुकर धन धन पे सगेशु परिगह विभजन सवार बबरी चाओ निमतन सद चाओ विहारे राय बोयण वजना शनि ही संचो जेव वजे यो सदु करो छुहा तनाये शिवन दंस मसग वेयणा अको सदुख से जाय तण फासा जल में विय तालना सजना चेव वय बंध परिसहा दुख बिखाय रियाए जाय नाय आला भया काबो या जाई में बीते केस लो दारुणो दुखं बंब वयंगोरा दारो यंच महापणो सुहोइए तुम पुता सुख मालो समझियो न हो सी पबु तुम पुता सामण मनु पालियो जाव जीव मैं भी सामो गुणानंद तो महाभरो गुरु बोलो है भारो बाप जो पुता होई दो बहो आगा से गंग सोव पड़ी सोव दुंतरो बाहि भागरो जेव तरिय वो गुण यही वालो ये कवल जेव निसाए संज में असी तारा गमन जेव दकरं चारियां तो आही बेगंत दिठिए चारिते पुत दूचरे जावालो है माया चेव चेयवा सदुकरं जहा आग सिहा दिता पाऊं हो ही सदुकरं ताह दुकरं करे उंजे तारुण समण तण जहा दुखं भरे उंजे ओई वायस कोतलो ताहा दुखं करे उंजे कोविण समण तण जहा तुलाए तेलुआ दुकरं मंदरो गिरी ताहा निहुयं निसकं दुकरं समण तण जहा भूया ही तरियो दुकरं रयणागरो ताहा आणो वसंतेण दुकरं दम सागरो भुंज मानुस गए भोगे पंचल खण ए तुम भूत भोगी तो जाया पचा दम चरी समी तंग भी तंग मा पियरो एवे में जहा फुड़ इह लो ए निपीवास नथी किंची वे दुकर शरीर मान साचे वे नाओ अंत सो माए सो डाओ भीमाओ असियं दुख बाणिये जरा मार कंतारे चाउरंते भया गरे माए सो ढाणी भीमाणी जमाणी मरणानी जहाई हंगाणी नूनो ए तो नग गुणे तही नर ये सुवेय नाऊनहा असाया बेया मय जहाई मंगी हसिया ए तो अनंत गुण तहिया नर ये सुवेय नसिया असाया बेया मय कदन तो कंद कुंभिसु उड़ पाओ आहो सिरो उया सण जलंत में पको पोव अनंत सो महादव विशंका से मरु में वरु वालुए कलंब वालु आए दड़ पुवो अनंत सो रसन तो कद कुंभिसु ओडंग बुदो अबंदवो कर वतं कर काई ही चिन्नु पुवो अनंत
सो आई तिक कंठ गायने तुंगे संभिलिया पे खे बियंग पास बदेन कडो कडाही दुकर महाजनते सुचुआ आर संतो सुबेरवन तिलियो मिसक मेहि पाव कमो अनंत सो कुवंतो काल सुने से सामे ही सबले पड़ी जाओ फालियो छिनो विफुरन तो अने गसो आसी ही असने बिना हाई बलि ही पट्टी से ही छिनो बिनो विभिनो ये आई न पावे कमुना आवसे लोह रहे जूतो अलंते समिला जुए चाहियो तो तू जूते ही रोजो बाबे पर हुया सने जलंत में चिया सुमाही सो विव दड़ो पको ये आवसे पाव कमे ही पावियो बला सड़ा से तुंडे ही लोह तुंडे ही पकी ही विली तो विलवंते आहां डक गिदे अनंत सो तन्ना किलंतो धावंतो पतो बेयनिनंदी जलंग में हाँ पीछी चंतो पुर धारा ही विवाइयो उना भीत तो संपतो हसी पतंग महावरंग हसी पते ही पंडते ही छिन पुवो अनेग सो मागुरे ही मुसे दिही सुले ही मुसे ले ही गाया सिंह भाग गते ही पत दुखंगनत सो खुरे ही तिक धारे ही चुरिया ही कपिनिया कपियो फालियो छिनो उक तो ये अनेग सो पासे हिं कुडू जाले हिं मिय वावसो अहं वाहियो बदरु दोये बाहु सोचे विवाइयो गले हिं मग जाले हिं मछो वावसो अहं उलियो फालियो गिहियो मारियो ये अनंत सो बंद से ही जाले ही ले पाहिं साउनो विवा गहियो लग बुद्धो ये मारियो अनंत सो कोडाई हर मुसमाही बदुई हिंदु मो विवे कुटियो फालियो छिनो तचियो अनंत सो चबेड़ मुठी माया ही कुमारे गियां पिवे ताडियो कुठियो भिनो चुनियो वे अनंत सो तताइं तंबला लो आई ताउयाइं सिसनाइये पाइयो काले कंताइं आसरं तुनंग पियाइं मनसाइं खंडाइं सोले गानिये खावा भियो मी समासाइं आगी बनाई पोग सो तुहं पिया सुरासी हो मेरे वो मी होनिये पाइयो मी जलंतियो वसाओ रुहरानिये ने चंगिये न तथेन दुहिये न वहिये निये परम्मा दुह संबदा वेयना वेया मै तिब चंड पप गाडाओ गोराओ आई दुसहा मा भमाया बिमाओ नरे सुवेया मै जारी सामानु से लोए ताया दिसंति वेयना ये तो अनंत गुणिया नरे सुदुख वेयना सव भवे सुवासाया वेयना वेया मै निमे संतर मितंपी जंग साया नथी वेयना तंग भी तंग मा पियरो छंदेन पुतंग पावया नावरंग पूर्ण समाने दुख निपड़ी क सो भी तंग मा पियरो ए मेहं जहा पुड़ंग पड़ी का मंगो को नई अरण्य मिय पकिण एक भुवो अरण्य वा जहाँ चरई मिगो
एवं घमं चरिसामि चञ्जमेन तवेनिय जयामि गसयायंको महारणमि जायै अचंत रुख मूल में कौन काहे दिगिछै कोवा वसे ओ संदेई कोवा वसे पूछै सुहं कोसे भतं च पाणं च अहिरि तो प्रणामय जाया जैसे सुहि होई तया गचै गोइरं बत पाण से अठाए बाला रानी सरानियं खाई ता पानी अंग पाओ वल रेगी से रोहवा मेगा चारियं चरितान गचे ही मेगा चारियं एवं समूर्तियो बिकु एवं महानोंगो मेगा चारियं चरितान रामिगे ये गणे गचारियं गवासे दुव गोई रोये एवं मुणि गोयरियं पविठे नोहिले विये की संजे जा मिग चारियं चरिसामी एवं कुता जहा सुयं अमा पी हुई है आनो नाओ मिय चारियं चरिसामी सब दुब विमोकने तुबे अमा मनो नाओ गच पुत जहास एवं सो अमा पियरो अनुमानितान बहुविया मामतं चिंदयिता है महानागोव कुंती इडिंग बीतं चुमिते ये पुतं दारे ये नायवो रेणु यंग वे पड़ी लगं निदानितान निगव पंच महाव्यजुतो पंच समियो तिगु तिगु तो ये संबित रंग बाहिराओ तब कमें सुजाओ निमामो निरंकारो निसंगो चतगारो समोये नव भुए सुत से सुतावरे सुये लाभा लाभे सुहे दुखे जीविये मरने ता समो निंदा पंच सासुता मानव मानव गारे विसु कसाये सुदंड सल भुए सुये नियतो हास सो गाओ अनियानो अबंदो अनिशियो इहं लोए पर लोए अनिशियो वासी चंदन कपोय असने अनसने तहा असप सते दारे हिंसावो पिहे यस्वे अजप जन जोगे हिं पसत दाम सासने एवं नानेन चरणेन दंसनेन तवेनिय भवनागिये सुदाहि सम भावे तु अपयं बहुयागिये वानाहि बानम मनु पालिया मासियेन उभतेन सिद्धिं पतो अनुत्तरम् एवं करिति सम्बुधा पंडिया पवियकणा विनियतन्ति भोगेषु मिया पुते जहारिषि महाप्रभाव से जहाँ जस से मियाई पुत से निसम बासिया तब पनाह चरियं च उत्मा गई पहाड़ से तिलोक विसुयं वियानिया दुख विविध नंदन ममत बंधन च महाभया वहन सुहावहं धम दुरंगणोत्तर तारे है निवान गुना वहाम तिबे उन्नीस अध्ययन पूरे हुए आग में तिभे पणत्ते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदु बया गमे ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते मियालो जम्बायदंग बच्चा मेलिंग हिण अखरंग अचक्रंग पै हिणंग विनय हिणंग जोग हिणंग घोष हिणंग सुटु दिनंग दुटु परिचंग अकाले कहु सजाऊ काले न कहु सजाऊ असजाइंग सजाइंग सजाइंग न असजाइंग बनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की आगम की अभिनय अशातना हुई हो मन से वचन
वचन से काया से बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वै दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाय मानाय मायाय लोभाय सब कालियाय सब मिच्छ वैराय सब धम ऐ कमनाय असानाय तस खमासनो पड़ि क्वामि निंदामि गिरियामि अपाणंग बोसरामि। 17वें अध्ययन के बाद ये 18वां अध्ययन आता है। इसका नाम है संजय। आपने पहले भी जिस समय राखी थी उस समय गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से सुना था कि संजय नाम का राजा शिकार करने का बहुत शौक था। केसर उद्यान में गया। केसर उद्यान में गर्दबाली महर्षि ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। उनके ध्यान के प्रभाव से, उनकी करुणा के प्रभाव से सब हिरण उनके आसपास मंडराते रहते थे। राजा संजय केसर उद्यान में गए। केसर उद्यान में हिरणों की डार को देखा, फटाफट तीर चलाने शुरू कर दिए। हिरण घायल होकर गिर रहे हैं। एक हिरण घायल होता होता भागता भागता मुनि के चरणों में आकर गिर पड़ा। खून बह रहा है और हिरणों को देखता देखता राजा संजय जब उद्यान में पहुंचा, मुनि को देखा, ध्यान में मुनि बैठे हैं, उनके चरणों में हिरण जाकर गिरा हुआ है। एकदम राजा पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा भय से। ये तो मुनि के हिरण थे, मुझसे बड़ा बड़ा अपराध हो गया, पाप हो गया। मुनि ने आंखें खोली, राजा पत्ते की भांति भय से कांप रहा है। मुनि ने कहा, राजन अभय चाहते हो तो अभय देना सीखो। जो तुम डर रहे हो, भयभीत हो रहे हो, भय से कांप रहे हो, तो अभय देना सीखो। चरणों में गिर के क्षमा याचना करने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मुनि के वचन सुनकर, अध्ययन तो बहुत बड़ा है, बहुत हार्ट टचिंग है, लेकिन समय की अल्पता के कारण मैं आपके समक्ष थोड़ी सी बात रख रही हूँ। राजा संजय का हृदय मुनि की वार्ता सुनकर परिवर्तित हो गया और उसके मन में वैराग्य आ गया। लेकिन जिस समय उसने वेश परिवर्तन किया, मुनि बनकर चला, तो उसकी मुलाकात क्षत्रिय नाम के मुनि से होती है। क्षत्रिय नाम के मुनि ने सोचा कि ये वेश परिवर्तन अकस्मात है, भय के कारण है, या फिर सच्चा वैराग्य है, कहीं आवेश में आकर वेश परिवर्तन तो नहीं किया। मुनि के वचन शिकार करने के कारण इससे स्पर्शित हुए, ये साधु बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। वो टटोल कर उसको देखने लगे। और इस 18वें अध्ययन में जो हमने गाथाओं की आराधना की है, ये उसी का वर्णन है। तत्पश्चात क्षत्रिय मुनि ने उनको क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद आदि चीज़ों की बहुत सारी व्याख्या की। और इसी अध्ययन का फिर उन्होंने अनेकों क्षत्रिय राज ऋषि ने उनको भरत, सगर, मघवा, सनत कुमार चक्रवर्ती, शांतिनाथ भगवान, कुंतीनाथ भगवान, अरेनाथ भगवान, महापदम, हरिशयन चक्रवर्ती आजी, दशान भद्र, नमीराज, करकंडू, प्रत्येक बुद्ध यानी उदयन राजा, काशीराज, महाबल, 32 महान व्यक्ति जो एक दिन में भोग को छोड़कर, एक ही दिन में भोग को छोड़कर मतलब त्याग के उच्च शिखर पर पहुँचे थे, उनके विषय में संक्षिप्त उनको ये झांकी दिखाई। और इस तरह से उन्होंने देखा कि नहीं, संजय राज ऋषि का जो वैराग्य है वो बहुत पक्का है, और उनके त्याग की प्रशंसा की। और जो 19वां अध्ययन है, मृगापुत्र के नाम से है। मृगापुत्र अपने महल के झरोके में बैठे थे, राजमार्ग को देख रहे थे। राजमार्ग को देखा तो एक मुनि वहाँ से जा रहे थे। इतने भोगों में लीन थे मृगापुत्र, उनकी माता के नाम से, वैसे तो उनका नाम बलश्री था लेकिन माँ का नाम मृगावती था, इसलिए मृगावती के नाम से सुग्रीव नाम का नगर था और बलभद्र नाम का राजा उनका पिता था, तो वो माता के नाम से उनका नाम मृगापुत्र पड़ गया। जब उन्होंने मुनि को जाते देखा तो उनके मन में आया, कितने त्यागी हैं, कितने वैरागी हैं, कैसे सहजता से चल रहे हैं, कितना सुंदर है इनका तेजस्वी मुखमंडल। देखने लगे, देखते देखते मृगापुत्र के मन में एक चिंतन चला कि ऐसा रूप मैंने पहले भी देखा है। देखो कैसे चिंतन होते थे,
साधु को देखकर क्या हमारे मन में कभी ऐसा चिंतन आता है कि ऐसा रूप पहले भी देखा था? ऐसा चिंतन करते करते कोई घटना याद नहीं आ रही, कहाँ देखा था, कहाँ देखा था, अभी इस जन्म में तो देखा नहीं, फिर कहाँ देखा? एकदम चिंतन गहराई में अंदर उतरा। चिंतन करते करते मृगा पुत्र को पूर्व संस्कार वश जाति समरण ज्ञान हो गया। जाति समरण ज्ञान हुआ, ओह मैं भी निग्रंथ मुनि बना था, मैं साधु बना था। ऐसा विचार करके मृगा पुत्र को ये सारे बंधन राजसी भोग एकदम भार प्रतीत होने लगे, बंधन प्रतीत होने लगे। इतना गहराई से वैराग्य आ गया। और उसी समय वो माँ के पास, माता पिता के पास पहुँचते हैं कि और कहते हैं कि मेरा मन अब गृहवास में इन भोगों से उचट गया है, ये संसार के राग रंग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे, आप मुझे आज्ञा दो, मैं साधु बनूँगा, अनुमति दीजिए। माता पिता ने अनेक युक्तियों से उसको समझाया। पहली युक्ति तो ये समझाई कि पुत्र मधुकरी, केशलोच, विहार, पदपात ये करना बहुत कष्ट है, लोहे के चने मोम के दांतों से चबाना बहुत मुश्किल है। जब तो बीमार हो जाएगा, तेरी देखभाल कौन करेगा? मृगा पुत्र ने दो ही बात कही, माँ जंगलों में मृग को देखते हैं, मृगचर्य कैसे करते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, एकांत में बैठ जाते हैं, जब स्वस्थ होते हैं तो अपने आप अपनी मृगचरी को खोजने के लिए चल पड़ते हैं, यानी अपने भोजन को। उनको कौन देखता है, कौन उनकी देखभाल करता है? कोई भी तो नहीं। और माँ नरकों में अनेक दुख पाए हैं, मैं कभी त्रियंच बना, कितनी बार नरक की कुंभी में जाकर मेरा जन्म हुआ, वहाँ मुझे वेदा गया, काटा गया, परमाधर्मी देवों से अनेकों प्रकार के कष्ट दिए गए। माँ उन कष्टों से बढ़कर ये साधु जीवन तो परम सुख का, कल्याण का हेतु है। अनेकों तरह से माता पिता को समझाया, नरक की स्मृतियाँ सब याद आ गई, क्योंकि पूर्व जन्मों का जाति समरण ज्ञान हो गया था। अनेकों अपने जन्मों को देखने लगे, कभी नरक में गया, कभी त्रियंच में गया, वहाँ भूख पिपासा इतने कष्ट। आज तो ये मेरे मन में आया है कि मैं साधु बनूँगा, साधु से बड़ा कोई सुख माँ मुझे नज़र नहीं आता, मुझे आज्ञा दे दो माँ, आपको बताया है मैंने, बस अब मेरा मन वैराग्य से भर गया है। माता पिता ने अनेकों तरह से समझाया, लेकिन परिजनों के ममत्व भाव को तोड़कर मृगा पुत्र संयम यात्रा के लिए निकल पड़े। वो साधु जीवन के 5 महाव्रतों को धारण करके 27 गुणों से और 10 प्रकार के यति धर्म से युक्त हुए। लाभ अलाभ, सुख दुख, मान अपमान, प्रशंसा आदि की परवाह किए बिना रतनत्रय की उत्कृष्ट आराधना करते हुए मृगा पुत्र ने सिद्धि पद को प्राप्त किया। सिर्फ एक बार ही देखते थे किसी संत को और जाति समरण ज्ञान हो जाता था। और हम कितनी प्रेरणा देते हैं आपको, ये परमात्मा की वाणी कितना पुण्य उदय है। जो नहीं यहाँ पर रहकर भी जो सुन नहीं पा रहे उनका पाप का उदय है। सामने खीर की थाली हो फिर भी वो तुम्हारे अंदर ना पहुँचे तो इससे बड़ा और पुण्यहीनता क्या होगी। वो सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं जो परमात्मा की इस अनंत अनुत्तर चरम देशना को, चरम वाणी को सुन रहे हैं। प्रभु ने इतनी करुणा की, आपको कितना सा समय, ये समय दौड़ता रहेगा, भागता रहेगा, ये समय तुम्हारे हाथों में आने वाला नहीं है। आज का दिन निकला, महीने साल सालों साल पूरी जिंदगी, बचपन से जवानी आई, जवानी से बुढ़ापा, और यूं ही हम इस काल कवलित हो जाएंगे। बार बार इस भव भ्रमण में ना जाने कितने कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। परमात्मा की ये दिव्य वाणी हमें मिली है, ये आराधना साधना मिली है। अभी कितने दिन रह गए शेष दिवाली में, कितने दिन की ये आराधना है। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कुछ भी नहीं सुना, ये 19 अध्ययन तो हमारे पूर्ण हो गए, 20वां अध्ययन यानी कितने अध्ययन बच गए, अभी हमारे 17 अध्ययन बचे हैं। तो इस तरह से ये आराधना आप लोग करेंगे तो आपको इस जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों में सुख मिलेगा,
इसलिए एक प्यास जगाकर श्रद्धा भक्ति के साथ इस प्रांगण में आओ और इस आंगन की ऊर्जा कितनी पावन हो गई है। इस ऊर्जा में प्रवेश करते ही आपके भीतर इतने ऊर्जा की तरंगे, और तो और जब आप इस ऊर्जा से भरकर अपने घर में जाएंगे, आपकी बॉडी की जो आपके शरीर की तरंगे आपके घर में फैलेंगी, वहाँ घर का आंगन भी वातावरण भी अच्छा बनेगा। इसलिए परमात्मा की इस दिव्य देशना को छोड़ो मत। गहराई के साथ, विश्वास के साथ निश्चय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये 36 अध्ययन पूरे करने हैं। आर्यभद्र बाहु स्वामी कहते हैं कि जो निर्विघ्न इन 36 अध्ययनों की आराधना करते हैं, इस वाणी को पूरा सुनते हैं, वो निकट भवी होते हैं, वो जल्दी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वो जल्दी इन जन्म मरण के बंधनों को तोड़ते हैं। अब गुन्नी जी थोड़ी सी सूचना आपको देंगे, इसके साथ ही ओम शांति। जी महाराज के चरणों में वंदन करने के उपरांत धर्म प्रांगण में आए भव्य जनों, उत्तराध्यान सूत्र की मूल वाचना प्रभु ने कितनी करुणा करके हमारे लिए दी, और हम उस करुणा का लाभ ना उठाएं। प्रभु ने कितनी अनंत आत्मीय मैत्री के संबंध में उन्होंने ये हमारे पे दया करके ये वाचनी हमें दी, और हमारे मन में श्रद्धा ना आए, वो बुद्धि ना आए, तो हमारा दुर्भाग्य है। आज की वाचना का जो लाभ ले रही हैं हमारे प्रमोद जी बामिया रोड वाले, और कल की वाचना का लाभ हमारे स्वतंत्र भाई के समधी पंकज जी नेहा जी उज्जैन से वो लाभ लेंगे। इस तरह हमारी ये वाचना दिवाली तक तो चलेगी, उसके अगले दिन इसकी संपूर्ति होगी। और आज के आइमलों में हमारे प्रधान जी का आज का आइमिल है, और दूसरा आइमिल सत्यनारायण जी लो प्रधान जी अमल तिव्यम प्रांशन पान खम समन्नता मग्न सस्मय वितर मैत्र ग्रंथ तस्मन ते परिपाल निंदा में ग्रह में त्याग घोषण तपस्या करने वालों को कल का आइमिल नवल जी और पूनम जैन धर्मपत्नी बलविंदर जैन सोनल जैन, इस तरह ये नवल जी को आप पता दे देना आए हुए आपका है जी नवल का कल का आईमिल, और पूनम जी बलविंदर जैन कौन आप ही हैं मतलब और है, चलो ठीक है आप उनको बोल देना, सोनल जैन का भी है। और जाप आज का आज तायत्री का मनीषा निशा जी आपके भैया के घर में है जाप आज, और कल का जो है सोनिया जी पदम जी पदम जैन सोनिया जैन पता दे देंगे उनका नंबर तो है, और उससे के आगे प्रमोद जी बामिया रोड वाले आपका परसों का है। पाठ विराजमान महासागरी डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज आदि थाने साथ के पावन पुनीत कमलों के अंदर भक्ति की सी मास्टर के साथ कोटिश्वर मंदिर कोटिश्वर नमन महाराज जी के हाथ हाथ की दुख साधा पूछते हैं और आभार व्यक्त करता हूँ। तो लकी कूपन के रूप में पहला नंबर है 679679 नंबर 679 689 दूसरा नंबर 689 692 695 और 682 आखिरी नंबर।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग जितने दिन भी समय शेष रह गया है उस दिन जरूर आकर के उत्तराखंड सूत्र की जो पावन गाथाएं नमो रियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो ऐरियानंग नमो अभिजानंग नमो लोय समसावनंग चैता वारंवासन चक्रवर्ती मेहद्यो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप्नत्तोदम मंगलम चेतारी लगुत्मा अरिहंता लगुत्मा सिद्धा लगुत्मा साहू लगुत्मा केवलिप्नत्तोदम लगुत्मा चेतारी शरण पव्यामे रिहंते शरण पव्यामे सिद्धे शरण पव्यामे साहु शरण पव्यामे केवलिप्नत्तो दमो शरण पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रूप्य दे धर्म का शरणा ये चार शरणे दुख करने और शरणानी कोए जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होए उसका सदा ही मंगल होए। हाँ देना